वेल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और एनसीआर ब्लॉग की टीम आ चुकी है गुड़गांव सिकंदरपुर में। और मैं आज आपको जहां पे लेके जाने वाला हूं, ये है नॉनवेज की मार्केट। यहां पर आपको मैं दिखाने वाला हूं कौन कौन से नॉनवेज के आइटम्स है इस मार्केट में। तो ये मेरे ठीक पीछे है नॉनवेज की मार्केट, यहाँ पर आपको मिलेगी वैरायटी ऑफ नॉनवेज। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं शुरू और आपको दिखाता हूँ मैं कौन कौन से आइटम्स हैं यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर आके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस मार्केट के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फ़िश है यहाँ पर, वैरायटी कौन कौन सी है फ़िश में। काफ़ी सारी जो है फ़िश में यहाँ पर वैरायटी है। चलिए आपको दिखाता हूँ वन बाय वन कि क्या क्या रेट्स है यहाँ पर। भैया इसको क्या बोलते हैं? चेंजरी बोलता है। चेंजरी, झींगा। क्या रेट है इसका? ये 60 की पावर। एक 60 की पावर मतलब 240 रुपये किलो। और ये बड़े वाला 70 के पावर, 280 रुपये किलो। ये छोटी फिश कौन सी है? ये डेंगरा बोलता है। डेंगरा, हाँ। क्या रेट है इसका? 60 की पाव। 60 की पाव है दोस्तों ये। और ये बिल्कुल जो छोटी वाली फिश है, ये चंदा है। चंदा, ये 40 की पाव। 40 की पाव, 160 रुपये किलो है दोस्तों ये। इसका नाम क्या है? चिपुआ बोलता है। चिपमा, चिपुआ। रेट क्या है इसका? 300 रुपये किलो। और इस वाली का छोटा है, अच्छा ये 240 रुपये किलो। ये कौन सी है? पॉम्फ्लेट। क्या रेट है इसका? 140 रुपये किलो है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये 140 रुपये किलो है, जबकि आप बाकी और कहीं मार्केट में जाते हैं तो इनका रेट 400 या 450 से ऊपर का रेट मिलता है। और इसके साथ में ये कौन सी फिश है? अमोदी। क्या रेट है इसका? 30 रुपये की पाव। भैया ये कौन सी फिश है? अमेरिकन रोहू। क्या रेट है इसका? 140 रुपये किलो। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये अमेरिकन रोहू है, इसका रेट है 140 रुपये किलो। और इसके साथ में ये कौन सी फिश है? इसका रेट 140। तो जो है चिकन में भी आइटम्स मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं चिकन की आइटम्स। यहाँ पर फ्रेश चिकन कितने का मिलता है? जिंदा चिकन 120 रुपये किलो। भैया ये बड़ी फिश कौन सी है? रोहू। इसका क्या रेट है बड़ी फिश का? 220 का, 220 रुपये किलो। ये कौन सी फिश है? मोंगरा। दोस्तों ये मोंगरा फिश है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन किया हुआ है, बट ये फिर भी मार्केट में आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं। क्या रुपये है? 120 रुपये किलो। कौन सी फिश है? बिलगेट। ब्रिगेट। क्या रेट है इसका? 100 रुपये किलो। तो ब्रिगेट का रेट है 100 रुपये किलो का। एक फिश और है इसके साथ में, इसका नाम क्या है फिश का? बासा। और क्या रेट है ये? 120 रुपये किलो। रुपये किलो। और ये कौन सी फिश है, छोटी फिश? चंदा। इसका क्या रेट है? 160 रुपये किलो। और ये प्रॉन्स में? 280 रुपये किलो। बाकी ये छोटी सी फिश कौन सी है? ये बचुआ। क्या रेट है इसका? 200 रुपये किलो।
और ये पॉम्फ्रेट कॉम्प्लेक्स 400 रुपए किलो। ये कौन सी फिश है भैया? ये कतला है। ये कतला है, क्या रेट है इसका? ढाई सौ रुपए के जी। और ये प्रॉन्स कौन से हैं? क्या नाम है इसका? डालडा। क्या रेट है इसका? ये 300 रुपए किलो प्रॉन्स है दोस्तों। फिश कौन सी भैया? ये क्या रेट है इसका? 120। ये 120 की फिश 1 kg। और ये कौन सी फिश है? कौन सी? दाल बोस। क्या रेट है इसका? 120 रुपीस के जी। इसका नाम क्या भैया? ब्रिगेड। क्या रेट है इसका? 120 रुपए किलो दोस्तों। भैया ये कौन सी फिश है? वही है, ये सिंगाड़ा है। क्या रुपये? 500 रुपए किलो। ये सिंगल कांटे की है? एक कांटा है। सुरमई है ये। क्या रेट है इसका? 600। दोस्तों 600 रुपए किलो फिश है। और इसके साथ में ये दूसरी कौन सी फिश है? टूना। और ये है टूना फिश। इसका क्या रेट है? 200 रुपए किलो। तो ये भी सिंगल कांटे में है। ये वाली कौन सी फिश है? लोतिया। क्या रेट है इसका? 150 रुपए की जो। इसका क्या रेट है? क्या नाम? 600। ये बरवा फिश, ये 200 रुपए किलो। इसका क्या नाम है? आइला। क्या रेट है? 150 लगाएगा बेटे? ये 200 रुपए किलो। 150। और रेड फिश कौन सी है? ये वाली बोला। क्या रेट है इसका? रेट है 200 रुपए किलो। ये कौन सी फिश है? सोल। क्या रेट है इसका? इस फिश का नाम है सोल और ये है 400 रुपए के जी। ये कौन सी फिश है भैया? ये रूपचंद है। क्या रेट है इसका? 160 रुपए के जी है। ये है रूपचंद दोस्तों। देख सकते हैं क्रैब भी यहाँ पर है। क्रैब का रेट क्या है? क्या क्रैब का रेट क्या है? 300 रुपए किलो। ये कौन सी भैया फिश है? टूना। क्या रेट है इसका? 200 रुपए किलो। और कितना किलो का पीस है ये? लगभग 5 किलो का। ये कौन सी है? सोल है। इसका रेट भैया? ये है सोल, इसका रेट है 400 रुपए के जी, जो ब्लैक नजर आ रही है आपको। और ये वाली सुरमई है, क्या रेट है? ये है सुरमई 300 रुपए किलो। बट वो तो यार 700 की आती है। वो कौन सी है? वो सुरमई। ये इसका नाम कौन सा? इसका बट्टा पारा। बट्टा बट्टा सुरमई 300 रुपए किलो ना भाई। ये है बट्टा सुरमई, इसका रेट है 300। और एक दूसरी सुरमई है, उसका रेट है 700 रुपए किलो। ये 700 रुपए के जी है। ये कौन सी फिश है? सीला। क्या रेट है इसका भाई? ये है सीला फिश, इसका रेट है 300 रुपए के जी। ये कौन सा प्रॉन है भाई? काफ़ी बड़े हैं। किंग प्रॉन है ये। इसका रेट क्या है किंग प्रॉन का? 450। ये 400 450। अच्छा
भाई ये है किंग प्रॉन, ये है 450 रुपये के जी। इससे जो छोटा प्रॉन है वो है 350 रुपये किलो। भैया ये वाली, ये कौन सी फिश है ये बताएं? सी सिंगी, क्या रेट है इसका? भाई ये है सिंगी फिश, इसका रेट है 500 रुपये किलो। ये कौन सा प्रॉन है? क्या रेट है इसका जंबो प्रॉन का? 500 रुपये किलो। और ये साथ में इसका क्या नाम है? ये टाइगर प्रॉन्स, इसका रेट है 400 रुपये किलो। और उसके साथ वाला, उसका नाम क्या भाई? ये टाइगर है, ये भी टाइगर प्रॉन, उसका क्या रेट है इसका? 500 उसका। ये टाइगर प्रॉन, इसका रेट है 500 रुपये किलो। दोस्तों देख सकते हैं ये जिंदा क्रैब्स यहाँ पर हैं, क्या रेट है भैया इनका? 700 रुपये किलो। तो सभी जगह अलग अलग रेट क्यों है ये? अच्छा तो दोस्तों ये चीज़ आपको बता दूँ कि आप कभी भी इस मार्केट में आएँ तो आप जो है यहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं शॉपकीपर्स से, क्योंकि यहाँ पर सभी के रेट अलग अलग रेट्स हैं। ये वाली कौन सी फिश है भैया? सॉल, क्या रेट है इसका? भाई ये है सॉल, इसका रेट है 450 रुपये किलो। ये है सुमई 8 किलो की, 700 रुपये किलो के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी मार्केट जो है खचाखच यहाँ पर भरी हुई है। और ये है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक की मार्केट। आपको मैं जस्ट आपको पीछे दिखाता हूँ कि ये है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन का, आपको नाम नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल ठीक पीछे है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन। और इसके जस्ट सामने लगती है ये फिश मार्केट। इसको फिश मार्केट नहीं, मतलब इसको बोल सकते हैं कि नॉनवेज के लिए ये परफेक्ट मार्केट है। यहाँ पर आपको मिलेगा वैरायटी ऑफ नॉनवेज आइटम्स, तो आप यहाँ पर आके अपनी मनपसंद चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। परंतु आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर अब कभी भी आएँ तो आप बार्गेनिंग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सभी दुकानों के रेट अलग अलग हैं यहाँ पर। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।